नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत है। धौलाधार पहाड़ियों से घिरा पालमपुर हिमाचल का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। खूबसूरती से भरे हरे भरे मैदान, बर्फ से घिरी धौलाधार की पर्वत श्रृंखलाएं, चाय के बागानों के मनमोहक दृश्य, पर्वतों से गिरता झरनों का पानी, निर्मल जल की खूबसूरत धाराएं, हर किसी को यहां आने के लिए मजबूर सा कर देती हैं। पालमपुर हिल स्टेशन समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ सर्दी हो या गर्मी, 12 महीने पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। अगर आप भी पालमपुर हिल स्टेशन आने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ आना बहुत ही आसान है। सड़क के माध्यम से दिल्ली से लगभग ये 530 किलोमीटर की दूरी पर है। पर्यटक यहाँ हवाई यात्रा करके भी आ सकते हैं। गग्गल, जो कांगड़ा एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, पालमपुर से बहुत ही नज़दीक। पर्यटक जो पालमपुर बाय ट्रेन आने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए पठानकोट रेलवे स्टेशन बहुत ही नज़दीक पड़ेगा। ये पालमपुर हिल स्टेशन से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। पालमपुर हिल स्टेशन आने वाले पर्यटकों के लिए चाय के बागान आकर्षण का मुख्य केंद्र है। चाय के बागानों की भरमार के कारण इसे उत्तर पश्चिम में चाय की राजधानी के नाम से जाना जाता है। इसी कारणवश ये ग्रीन सिटी के नाम से भी मशहूर है। अगर आप पालमपुर आते हैं तो एक दिन के लिए यहाँ ज़रूर रुकें। रात की चांदनी में पालमपुर की वादियाँ और भी हसीन हो जाती हैं। धौलाधार की ऊंची ऊंची चोटियाँ चांदनी रात में स्वर्ग जैसा एहसास दिलाती हैं। जितना खूबसूरत दृश्य रात का होता है उतना ही मनमोहक और सुहावना दृश्य सुबह का हो जाता है। हमारे मन में जो प्रकृति के बीच रहने की इच्छा होती है यहाँ आके पूरी सी होती दिखती है। अगर सुविधाओं की बात की जाए तो पालमपुर में होटल, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, एटीएम और टैक्सी जैसी सुविधाएं पास में ही मिल जाती हैं। यूं तो पालमपुर में घूमने के लिए बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं। इनमें से सबसे पहले नाम आता है न्यूकल पार्क का। धौलाधार पहाड़ियों से घिरा ये पार्क पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ये पालमपुर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये अपने ओल्ड सस्पेंशन ब्रिज के लिए बहुत फेमस है। यहाँ से पहाड़ों का दृश्य बहुत ही सुंदर है। न्यूगल पार्क में बने कैफे में आप खाने पीने का आनंद ले सकते हैं। न्यूगल खड्ड में घूमने का सबसे उचित समय मानसून से पहले का है। यहाँ से पहाड़ों का दृश्य बहुत ही मनमोहक हो जाता है। कुछ पल एकांत में बैठ के आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। आइए अब गोपालपुर जू की तरफ चलते हैं, जिसकी दूरी पालमपुर से महज 12 किलोमीटर की है। गोपालपुर जू, जिसे धौलाधार राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, ये उद्यान लगभग 30 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर सांबर, चीता, भालू, मोर तथा विभिन्न प्रकार के पक्षियों की प्रजातियाँ देखने को मिल जाती हैं, जो पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। वन्य जीवन के प्रति आकर्षित लोगों के लिए फोटोग्राफी के लिए ये स्थान बहुत ही उचित है। अगला पर्यटक स्थल है त्रियुंड, जो कि ट्रेल्स एंड ट्रैकिंग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये पालमपुर से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके नज़दीकी पर्यटक स्थल धर्मशाला और मैक्लोडगंज हैं। ट्रेल्स एंड ट्रैकिंग के लिए ये एकदम सही जगह है। ये जगह कांगड़ा घाटी का एक सुंदर दृश्य दिखाती है। त्रियुंड से शाम को आकाश का दृश्य अपने आप में बेहद आकर्षक है। यहाँ पर ट्रैकिंग और कैंपिंग करने का सबसे अच्छा समय मई, जून और सितंबर अक्टूबर में है। अब चलते हैं प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बैजनाथ की तरफ, जो पालमपुर से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये शिव मंदिर पालमपुर का प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थल है। इसका निर्माण पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान द्वापर युग में करवाया था। अगला पर्यटक स्थल बीड बिलिंग है, जो पालमपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये पर्यटक स्थल मुख्य रूप से पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है, जो हर साल भारी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है।
पैराग्लाइडिंग के लिए आदर्श जगह होने के कारण मार्च से नवंबर तक के महीनों में हज़ारों पर्यटक यहां पैराग्लाइडिंग के लिए आते हैं। अगर आप भी पैराग्लाइडिंग के शौकीन हैं तो यहां आके पैराग्लाइडिंग का आनंद ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं पालमपुर के लोकल खाने पीने के बारे में। यहां स्थानीय लोगों द्वारा बनाई गई कांगड़ा टी दुनिया भर में मशहूर है। राइस बियर, जिसे स्थानीय भाषा में झोल कहा जाता है, एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थानीय ड्रिंक है। कांगड़ी धाम यहाँ का पारंपरिक भोजन है, इसे हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ भोजन कहा जाता है। ये सब पारंपरिक भोजन और स्थानीय ड्रिंक्स आपको रोड साइड बने ढाबों में आसानी से मिल जाती है। यदि आप पालमपुर घूमने आते हैं तो यहाँ की टॉय ट्रेन, जिसे कांगड़ा वैली के नाम से भी जाना जाता है, का आनंद ले सकते हैं, जो पठानकोट से लेकर जोगिंदर नगर तक लगभग 170 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।